फाइनली आईफोन 12 का ऑफिशियल रिलीज हो चुका है, तो जल्दी से देखते हैं कि इसमें ऐसा क्या नया है जो इस फ़ोन को खास बनाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम आईफोन 12 की पैकेटिंग की बात करें तो ये नॉर्मल आईफोन का पैकेट से ऑलमोस्ट आधा होगा, छोटा कॉम्पैक्ट होगा, क्योंकि इसमें आपको ईयरफोन्स और चार्जर नहीं मिलेंगे। जी हाँ, इसमें आपको चार्जर और ईयरफोन नहीं मिलेंगे। और पहला कहना है कि ऐसा करते हुए उन्होंने ऑलमोस्ट 3 मिलियन टन्स का कार्बन इमिशन कम किया है, जो कि एक अच्छा इनिशिएटिव भी है। दोस्तों, अगर फ़ोन की हम सबसे पहले लुक्स की बात कर ले तो ये फ़ोन में आपको स्मूथ फ्लैट एजेस दिखाई देंगे, जो आपको 5S आईफोन SE आईफोन 4 का याद दिलाता है, जो कि पर्सनली मुझे बहुत पसंद है। उसका जो फ्लैट एजेस होता है तो आपको उसमें ये दिखाई देगा। दोस्तों, आईफोन 12 विल बी 5G एनेबल। जी हाँ, 5G होगा। और उनका ये भी कहना है कि आइडियल मोड में इनका अपलोडिंग स्पीड विल बी अराउंड 200 Mbps और डाउनलोडिंग स्पीड विल बी अराउंड 4 Gbps। तो इसका जो डिस्प्ले होगा वो 6.1 इंच का OLED डिस्प्ले होगा। और अगर हम आईफोन 11 की कंपैरिजन में लें तो आईफोन 12 विल बी 11% आपका पतला होगा, 15% ओवरऑल वॉल्यूम में कम होगा और 16% हल्का होगा, जो कि एक अच्छा बात है। हल्का होने से किसको अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। इसका डिस्प्ले सुपर रेटिना HDR डिस्प्ले है, जिसका कॉन्ट्रास्ट आपका 2 मिलियन इज़ टू 1 है। जी 2 मिलियन मतलब 20 लैक्स इज़ टू 1। दोस्तों, डिस्प्ले का ऊपर जो आपका ग्लास होगा वो आपका कुछ नया लाया है उन्होंने इस बार, जो कि आपका सिरेमिक सील्ड ग्लास होगा। और उनका ये भी कहना है कि वो आईफोन 11 से आपका 4 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होगा। अगर फ़ोन कहीं पे गिरता है तो टूटना तो नहीं चाहिए इस बार। और दोस्तों, फाइनली आईफोन 12 में आपको A14 बायोनिक चिप देखने के लिए मिलेगा, जो कि सबसे अभी तक का फास्टेस्ट होगा। आईफोन 11 में आपका A13 बायोनिक चिप था, तो ऑब्वियसली इसमें आपको परफॉर्मेंस तो थोड़ा अच्छा देखने के लिए ज़रूर मिलेगा। दोस्तों, अगर हम कैमरा की बात करें तो इसमें आपको डुअल कैमरा देखने के लिए मिलेगा। जो पहला लेंस होगा वो आपका वाइड एंगल लेंस होगा, और जो दूसरा लेंस होगा वो आपका अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस होगा, और दोनों का ही आपका 12 मेगापिक्सल का सेंसर होगा। इसमें आपको स्मार्ट HDR3 मोड भी देखने के लिए मिलेगा, जिसमें आपका फ़ोटो का एक्सपीरियंस और स्मूथ होगा और अच्छा होगा और उभर के आएगा। दोस्तों, आईफोन 12 में जो आपको थोड़ा कुछ नया देखने के लिए मिलेगा वो है आपका मैग सेफ चार्जर, जो कि मैग्नेटिक कॉइल के थ्रू चार्ज होता है। यानी उनका जो हार्डवेयर जो भी चार्जर देंगे आपको, बस इस तरह से इसमें रखना है और आपका मोबाइल चार्ज होगा। और इसमें आपको फास्ट चार्जिंग भी देखने के लिए मिलेगा। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि एप्पल ने एक्चुअली 4 वेरिएंट लॉन्च किया है, आईफोन 12, आईफोन 12 मिनी, आईफोन 12 प्रो, आईफोन 12 प्रो मैक्स। जी हाँ, 4 वेरिएंट। उसका प्राइसिंग भी अलग अलग होगा। प्राइसिंग आपको मैं सबसे जो लोएस्ट वेरिएंट होगा उसका प्राइस इंडिया में इट विल बी अराउंड 51,000 के आसपास होगा, और जो आपका मतलब $699। और जो नॉर्मल आईफोन 12 होगा उसका ऑलमोस्ट 6,000 to 7,000 ज़्यादा होगा, क्योंकि उसका $100 ज़्यादा है, $799। दोस्तों, एप्पल ने हमसे 3-4 चीज़ें छुपाई है। वो है कि रैम कितना होगा वो हमें बताया नहीं है, फिंगरप्रिंट सेंसर होगा कि नहीं वो भी नहीं बताया, इसमें हेडफोन जैक होगा कि नहीं वो भी नहीं बताया, लेकिन हालांकि होना चाहिए ऑब्वियसली। तो आपको अनबॉक्सिंग का वीडियो मिलेगा तो उसमें आपको ज़रूर दिखाई देगा। दोस्तों, अगर हम A14 बायोनिक चिप के बारे में बात करें तो ये ऑब्वियसली बहुत फास्ट होगा, क्योंकि इसमें आपको लीग ऑफ लेजेंड्स जैसे गेम्स मोबाइल में खेलने के लिए मौका मिलेगा, जो पहले कभी किसी मोबाइल में नहीं था। तो ऑब्वियसली इसका परफॉर्मेंस बहुत ही फास्ट होगा। तो दोस्तों, कल जो एप्पल इवेंट हुआ वो मैंने पूरा देखा, और उसके रिगार्डिंग मैंने आपको ये वीडियो बना के आपके सामने रखा। तो थोड़ा सा मुझे भी हेल्प कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आगे भी मैं जो अलग वेरिएंट है उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।